हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाई फर्स्ट डिविजन का पार्ट अपन अकेडमी। तो बहुत दिनों के बाद आपकी क्लास बिल्कुल वापस पटरी पे आई है। सुबह 9 बजे हमारे साथ कहां पे, वाई फर्स्ट स्टडी पे। तो दो दिन क्लास आपकी ब्रेक हुई है, मंडे और ट्यूजडे। तो आपको पता है कि क्यों ब्रेक हुआ था, क्योंकि पिछले सप्ताह हमारे नाना जी स्वर्ग से धार गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो हिंदू धर्म में बच्चे आपको बताइए कि 10 कर्म के बाद 12वीं 13वीं होती है, वहां जाना पड़ गया, इसलिए आपकी क्लास डिस्टर्ब थी। बट नो इशू, अब से आपकी क्लास बिल्कुल वापस पटरी पे आई है और बिल्कुल सही समय पे होंगी जितनी सारी क्लासेस होती है आपकी। अब देखोगे कि हमारे कई सारे क्लासेस आपको मिलते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो या फिर स्पेशल क्लास की। तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं सारे बच्चों को कि जो हमारे क्लास के शेड्यूल है वो कितने बजे कहां है। जैसा कि आपको पता है कि सुबह पहले मिलते हैं आपसे हम कहां पे, सुबह 9 बजे वाई फर्स्ट स्टडी में, अभी आप मेरे साथ हो। फिर 10:05 पे जो आप देखते हो 40 में 40, ये कहां, अन अकेडमी पर। फिर आप देखते हो बच्चे 4:30 बजे कहां पे, तो स्टूडियो चैनल पे, वाई फर्स्ट स्टडी स्टूडियो चैनल पे, जो एग्जाम एनालिसिस। और इसके बाद 5:40 पे अन अकेडमी पे, और फिर 7 बजे या 7:05 पे अन अकेडमी पे, और रात 10 बजे स्टूडियो चैनल पे। एक आपको मिलता था सुबह 8 बजे, ये भी अन अकेडमी पे। तो ये हमारी कुल क्लास की आपकी शेड्यूल है जो मैं आपको पढ़ाता हूं। तो 8 बजे सुबह, फिर 9 बजे अभी आप जुड़े हो वाई फाई स्टडी पे, फिर आप देखोगे 10:05 पे 40 पे 40 जो आप रेगुलर, और ये तो रेगुलर है बिल्कुल बिना ब्रेक दिए हुए, 4:30 बजे एग्जाम एनालिसिस स्टूडियो चैनल, 5:40 और फिर 7 बजे अन अकेडमी पे, और रात 10 बजे थ्योरी शुरू किया हमने स्टूडियो चैनल पे, गॉट इट। और नया बैच शुरू हुआ है तो आप देखोगे 11 बजे दोपहर में अन अकेडमी पे रेलवे के लिए नया बैच शुरू किया गया है, तो आप वहां ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ, ठीक है भाई। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कंप्यूटर के फुल फॉर्म वाले प्रश्न। अभी आपने देखा कि कल यानी फर्स्ट शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया कंप्यूटर के फुल फॉर्म से, यानी फुल फॉर्म से कई सारे बच्चे परेशान रहते हैं। तो आज और कल दो दिनों में हम लोग 60 क्वेश्चंस देख लेंगे फुल फॉर्म का, जो इंपॉर्टेंट अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम में ठीक है पूछे गए हैं। आइए देखते हैं कल रात की क्लास की पीडीएफ कहां है। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल की क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। देखो, क्लास शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं बच्चे कि रेलवे का जो बैच है वो 11 बजे शुरू हुआ है दोपहर में, या सुबह कह दे 15 तारीख से, और फिर एक बैच शुरू हो रहा है 22 फरवरी से। तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो अकेडमी, बिल्कुल बहुत मजेदार शानदार सेशन होने वाला है। क्यों, क्योंकि फी अभी बहुत कम कर दी गई है, 2 साल का मात्र 3600, 1 साल का 3000, तो 1 साल का लेना ही बेकार है, 2 साल का 3000। क्यों 3000, क्योंकि रेफरल कोड लगाओगे 10% और फिर आपके पास क्रेडिट पॉइंट है, वहां से 10% 20% ही कमी है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो रेलवे वाले बच्चे इस बैच को। सवाल नंबर 1 पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमपी, बीएमपी का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है, बाइट मैप, बिट मैप, बाइट मैप प्रोसेस या बिट मैप प्रोसेस। सवाल नंबर 1 आपके सामने ये रहा, जल्दी। बता भाई क्या होगा, बीएमपी का फुल फॉर्म की बात करें तो बीट मैप क्या होगा, बीट मैप होगा, यानी बीएमपी का फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होगा, बीट मैप होगा। यानी ऐसे ही सवाल आपके रेलवे में रेगुलर पूछा जा रहा है फुल फॉर्म से, चाहे वो कंप्यूटर से हो या फिर कुछ अलग, कुछ अलग, है ना। तो क्या होगा भाई, बीट मैप। सवाल नंबर 2, फोटोन का फॉर्मूला, यह पूछा फोटोन का अर्थ, फोटोन फॉर्मूला ट्रेन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन,
फॉर्मूला ट्रेन नेटवर्क, फॉर्मूला ट्रांसलेशन नेटवर्क। सवाल नंबर दो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोटोन, फोटोन का अर्थ क्या है? जल्दी बच्चे, फोटोन का अर्थ क्या होगा? फोटोन की बात करें, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और मैं बता दूं, ये सवाल अब तक रेलवे 3 बार रिपीट कर चुका है इतने ही दिनों में, यानी अभी तक 3 पेज हुआ है। अच्छा है रेलवे का रेशियो, सोचो 3 पेज एग्जाम हुआ है, 3 बार रिपीट कर चुका है, 3 पेज एग्जाम हुआ है, 3 बार रिपीट कर चुका है, मतलब रेलवे कह चुका है कि भैया जितना पेज एग्जाम होगा हम इसे रिपीट करते रहेंगे। यह हाल है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है भाई, आगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISDN, ISDN का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डबल नेटवर्क, इंटर सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्वर डिजिटल नेटवर्क। सवाल नंबर 3, जल्दी बच्चे, सवाल नंबर 3 क्या होगा? तो इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, एकीकृत सेवा डिजिटल प्रसार, ये फुल फॉर्म है। ये क्या बच्चे? फुल फॉर्म है ना। आगे देखो नेक्स्ट, PNG का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNG? पोर्टेबल नेचुरल ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफ, प्रिटी नेटवर्क ग्राफिक्स या पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, क्या होगा? सवाल नंबर 4, जल्दी शिवम, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, टाइमिंग तो पता है ना, 9 बजे सुबह क्लास होती है आपकी, बताओ क्या होगा? तो सवाल नंबर 4 की बात करें, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अब सोचो ये ऑप्शन कितने मजेदार है, प्रीटी नेटवर्क ग्राफिक्स, प्रीटी, प्रीटी मतलब खूबसूरत। अब प्रीटी मत समझ लेना किसी का नाम, प्रीटी बोलते नहीं है, प्रीटी गर्ल यानी खूबसूरत। अब देखो ये ऑप्शन कितने मजेदार है, कुछ लोग लगाए क्या, कुछ लोगों ने लगाया है क्या? नहीं, कुछ लोगों ने लगाया, हाँ लगा दिया। देखो मनीष, ऑप्शन नंबर 3 लगाया है, वाह और बढ़िया, उम्मीद तो कर किए थे आपसे। आगे देखो रोम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम, रोम का पूर्ण रूप क्या है? रीड अदर मेमकैश, रीड ओनली मेमोरी, रीड अदर मेमोरी, रीड ओनली मेमकैश। सवाल नंबर 5, जल्दी बता बच्चे क्या होगा, जल्दी बताओ। सवाल नंबर 5 की बात करें तो क्या हुई, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी क्या होगा, रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वोलेटाइल है, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल, और रैम क्या होगा, वोलेटाइल, रैम क्या होगा, वोलेटाइल, है ना। ये पूछता है कि रोम क्या है, रैम क्या है। आगे देखो नेक्स्ट, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होगा, जल्दी। थैंक यू शिवम, जल्दी। तो भैया यूएसबी की बात करें, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। आगे देखो, नेटवर्क के संदर्भ में SAP का अर्थ क्या है, स्मार्ट एक्सेस पॉइंट, सर्विस एक्सेस पॉइंट, सर्विस एट पॉइंट, सर्विस एक्सेस परमिशन। सवाल नंबर 7, जल्दी जल्दी भैया, सर्विस एक्सेस पॉइंट, और आप देखना रेलवे ये सवाल पूछ चुका है, रेलवे ये क्वेश्चंस पूछा है ना। CSS का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSS, क्रिएटिव स्टाइल शॉर्ट्स, क्रिएटिव स्टाइल सेट्स या कैस्केडिंग स्टाइल सेट्स या कैस्केडिंग स्टाइल शॉर्ट्स। सवाल नंबर 8, जल्दी क्या होगा, ये होगा CSS, दैट मीन्स कैस्केडिंग स्टाइल सेट्स, कैस्केडिंग स्टाइल सेट्स। ठीक है भाई, आगे देखो PHP, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PHP,
प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, प्री हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर या क्या होगा प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट। सवाल नंबर 9, जल्दी और याद रख लेना, ये जितने सारे क्वेश्चन हैं ये आपके ग्रुप डी हो या सीबीटी 2 हो बिल्कुल मदद करेगा, फ्रूटफुल होगा। इसीलिए ऐसा पढ़ना अभी कि आगे सीबीटी 2 में भी काम दे और ग्रुप डी में भी काम दे, है ना। ये मत सोचना सर सीबीटी 1 निकल जाए बाकी बाद आगे सोचेंगे, ना एक बार में अच्छे से रट्टा मार जाना बिल्कुल। तो क्या होगा हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, पी साइलेंट है यहां पे, पी क्या होगा साइलेंट है यहां पे, बिल्कुल याद रखना हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये सब क्या है, ये सब गूगली मानते हो इसे, क्या ये गूगली एक प्रकार का, बिल्कुल जो आप सोचते नहीं हो वही सही होता है आपका, है ना। आगे देखो आईसी का फुल फॉर्म क्या होगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसी, इंटर रिलेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड कंडक्टर, इंटीग्रेटेड कंडक्टर या इंटीग्रेटेड सर्किट। तो दो ऑप्शन, एक है आप इसे नॉन ऑफ दीज कर दो, आप इसे नॉन ऑफ दीज कर दो। अब बताओ क्या होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी चिप की बात करें भैया तो क्या होता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, हम सिर्फ सेमीकंडक्टर है जो आईसी का निर्माण करते हैं, है ना। आगे देखो पीडीएफ का फुल फॉर्म, बहुत परेशान सर पीडीएफ मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा, तो जरा बताओ पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा फिर मैं बता दूं पीडीएफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो पीडीएफ यानी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सवाल नंबर 11, जल्दी 8 AM की क्लास क्यों नहीं हो रही है भाई, होंगे बच्चे जल्दी। तो क्या होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है ना भाई, क्लियर है। आगे देखो सीआरटी का फुल फॉर्म, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी, सीआरटी का पूर्ण रूप क्या है, क्रिस्टल रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, कैबिन रे ट्यूब या कार्बन रे ट्यूब। सवाल नंबर 12, जल्दी तो आज के बाद पीडीएफ मत बोलना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, क्या बोलोगे क्या होगा कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी कलर टेलीविजन की याद रखना जिसमें हम प्राइमरी कलर आरजीबी यूज करते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, है ना भाई। सॉप, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सॉप, सॉप का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोसीजर, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोसीजर, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। अच्छा एक मिनट बच्चे, प्रोटोकॉल है ना, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोसीजर या स्मॉल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। सवाल नंबर 13, जल्दी बताओ बच्चे, सवाल नंबर 13 की बात करें तो क्या होगा सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, एक्सेस प्रोटोकॉल, एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल क्या होगा, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस। बहुत बढ़िया आनंद, आनंद क्या बात है, जतिन का भी सही है, आनंद सिंह क्या बात है, ठीक है भाई। आगे देखो नेक्स्ट एचटीटीपी का फुल फॉर्म, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसीजर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर टाइपो ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सवाल नंबर 14, जल्दी बताओ क्या होगा, सवाल नंबर 14 एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो क्या होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये बिल्कुल आसान भाई,
14 का क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिनका देखो थोड़ा सा गलती है यहां पे, क्या है प्रोसीजर है, यहां पर प्रोसीजर है, इसी को बोलते हैं इल्यूजन, यानी भ्रम, भ्रम की स्थिति में हम गलती कर बैठते हैं। तो फुल फॉर्म वालों में जितने भी सवाल पूछते हैं बिल्कुल आसानी से पढ़कर जवाब दो, सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो आईएसपी का फुल फॉर्म, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर, इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोसीजर। सवाल नंबर 15 जल्दी। बताओ क्या होगा, तो आईएसपी के मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी। जैसे मैं अभी, मेरा कोई लोकल वाईफाई कंपनी था जो सर्विस प्रोवाइडर था, उसकी सर्विस अच्छी नहीं थी, बार बार बफर होता था, आप कहते थे सर बफर हो रहा है बफर हो रहा है, मैंने उसे उड़ा दिया। अब टाटा स्काई लगवाया, दैट मीन्स वो जो सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो उसकी सर्विस अच्छी है, तो हम यही यूज करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आगे देखो HTML का फुल फॉर्म, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ HTML, हाइपर टेक्स्ट मैजिक लाइन, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लाइन, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सवाल नंबर 16 जल्दी। बताओ क्या होगा बच्चे, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। याद रखना HTML और अभी आपने देखा HTTP, ये सब ठीक है याद रखना। अच्छा, ये दोनों 3 और 4 एक ही है, 3 और 4 एक ही है भैया। ये हाई लिखा हुआ है, क्या हाई टेक्स्ट है और यहां हाइपर टेक्स्ट है, अलग है, इसलिए कहते हैं भावना में मत बह जाना, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो आईएसओ का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसओ, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्या होगा नेक्स्ट। सवाल नंबर 17 तो ISO दैट मीन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पे आपका 2 और 3 1 है, 2 और 4 1 ही है, 2 और 4 1 ही है, यहां पे आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी 2 और 4 1 है। यहां आप कह सकते हो कि सर BOD सेम है। ठीक है, CD का फुल फॉर्म क्या होगा, कैरी डिस्क कॉम्पैक्ट डिस्क, कैरी डाटा कॉम्पैक्ट डाटा। सवाल नंबर 18 जल्दी। तो भैया CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, CD मतलब, अरे भैया पहले CD आता था ना, अभी भी आता है क्या, अब DVD हो गया, DVD। जरा बताओ DVD का फुल फॉर्म, DVD का फुल फॉर्म बताओ जल्दी, DVD का फुल फॉर्म जल्दी, DVD का फुल फॉर्म। VLSI, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VLSI, ये भी पूछा आपका रेलवे, ये भी आपका पूछा है रेलवे इस बार। VLSI का फुल फॉर्म क्या होगा, वेरी लो स्केल इम्यूनिटी, वेरी लो स्केल इंटीग्रेटेड, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, वेरी लार्ज स्केल इम्यूनिटी। सवाल नंबर 19 डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, अच्छा डिजिटल वीडियो डिस्क। आगे देखो क्या होगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड।
तो ये हमेशा याद रखना, ऐसा ही सवाल आपका पूछ रहा है रेलवे। कल पूछा था दो फुल फॉर्म, कल दो फुल फॉर्म पूछा है रेलवे ने, दो फुल फॉर्म पूछा है रेलवे ने, आपको याद होगा। एक था रीड आर डबल ई डी और एक था ए एस एस आई एस ए करके कुछ था। तो दो फुल फॉर्म पूछा है, फुल फॉर्म आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मैक, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैक, मैक का पूर्ण रूप क्या है? मास एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मास एक्सेस कैरेज या मास मीडिया एक्सेस कैरेज, क्या होगा? जल्दी बता बच्चे क्या होगा, क्या होगा भाई? मैक की बात करें, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, है ना। डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू? और एक फुल फॉर्म है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। जल्दी पहले ये बताओ, फिर मैं ये बता दूंगा। तो डब्ल्यू 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 यानी वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, इसकी इसका आविष्कार टीम बर्नर्स ली ने किया है क्या? टीम बर्नर्स ली ने किया है क्या? अगर आपको लगता है यस, तो यस दिखाना, थंब दिखाना। बिल्कुल सर। अब देखो, वर्ल्ड वाइड वेब है। अब भैया डब्ल्यू 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 पूछा था, आपको याद होगा कि चौथे डब्ल्यू में, चार डब्ल्यू में ये चौथा डब्ल्यू क्या है? चौथा डब्ल्यू क्या है? तो चौथा डब्ल्यू क्या है? देखो, वर्ल्ड वाइड वेब वर्म। क्या है? वर्म है। याद आया? पूछा था, याद आया कि वर्ल्ड वाइड वेब वर्म, द वर्ल्ड वाइड वेब वर्म इज फर्स्ट सर्च इंजन इन द वर्ल्ड, यानी विश्व का ये पहला सर्च इंजन था। टू द वर्ल्ड वाइड वेब विच इज क्लेम्ड, जो किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो इसका विकास ओलिवर मैकब्राइन ने 1993 में किया था, 1993 में किया था, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। तो ये पहला, विश्व का पहला सर्च इंजन जिसका आविष्कार ओलिवर मैकब्राइन ने 1993 में रंगतो विश्वविद्यालय मिसपेट में किया था, है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ। क्लियर है भाई? आगे देखो, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी? फ्री ट्रांसफर प्रोसेस, फाइल ट्रेनिंग प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फ्री ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। सवाल नंबर 22, जल्दी बताओ क्या होगा। अच्छा, सब बच्चे स्मार्ट हो गए बिल्कुल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी एफटीपी की बात करें तो क्या होगा भाई? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। आगे देखो, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? वायरलेस फिडेलिटी, वायर्ड फिडेलिटी, वायरलेस फोकस या वायर्ड फोकस। सवाल नंबर 23, जल्दी। पता है कुछ बच्चे रॉकेट पर बैठ के आएंगे, रॉकेट में बैठेंगे, रॉकेट के नोक पे, बिल्कुल ये नोक होती है निकली हुई, इस पर बैठ के आएंगे। सर जल्दी करो ना, तो हमारा रॉकेट लॉन्च हो जाएगा। भाई लॉन्च हो जाने दो, यहां लॉन्च हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। एग्जाम हॉल में लॉन्च हो गया ना, तो 2024 तक वेट करते रह जाओगे एनटीपीसी का, इसलिए आराम से पढ़ो। वायरलेस फिडेलिटी क्या ये? वायरलेस फिडेलिटी, है ना। आगे देखो, आईपी का फुल फॉर्म क्या होगा भाई? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी? इंटरनेट प्रोसेस, इंट्रानेट प्रोसेस, इंटरनेट प्रोसेस, इंटरनेट, इंट्रानेट प्रोटोकॉल, इंट्रानेट प्रोटोकॉल। हिंदी से ज्यादा फुल फॉर्म में इंग्लिश को देखना बिल्कुल। जब भी फुल फॉर्म के सवाल पूछे जाएं, हिंदी से ज्यादा आप इंग्लिश पर फोकस करना, इंग्लिश पर फोकस करना बिल्कुल, ठीक है।
याद रखना, इंग्लिश पर फोकस करना, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल याद रखना, ठीक है? क्या होगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल, गॉट इट? आगे देखो, डॉक्स का अर्थ क्या है बच्चे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्स? डॉक्यूमेंट कॉपीड एंड जेरोक्स्ड, डॉक्यूमेंट एक्सटेंडेड, ड्राफ्ट एक्सटेंडेड या ड्राफ्ट कॉपीड एंड जेरोक्स्ड। सवाल नंबर 25 बताओ क्या होगा? तो डॉक्यूमेंट एक्सटेंडेड है ना, ठीक है भाई, डॉक्यूमेंट एक्सटेंडेड। एएसपी का फुल फॉर्म ये भी पूछा आपके रेलवे इस बार, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएसपी? एक्टिव सर्विस प्रोसेस, एक्टिव सर्विस पेजेस, एक्टिव सर्वर पेजेस, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। सवाल नंबर 26 जल्दी। तो क्या होगा भाई? एक्टिव सर्वर पेज, एक्टिव सर्वर पेजेस, एएसपी, एएसपी से याद आया, एमएसपी भी आता है ना बच्चे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो 1966-67 में शुरुआत किया गया है ना? आरटीसी का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीसी? रियल टाइम क्लॉक, रियल टाइम चेक, रिलेटेड टू चेक, रिलेटेड टू क्लॉक। सवाल नंबर 27 जल्दी। सुधीर, मेरी क्लास सुबह 9 बजे लगती है बच्चे यहां पे, तो रियल टाइम क्लॉक, आरटीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? रियल टाइम क्लॉक है ना। यूडीपी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूडीपी? यूजर डेटा प्रोसेस, यूजर डेटा प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोसेस, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। सवाल नंबर 28, सवाल नंबर 28। और 4:30 बजे जरूर जुड़ो, क्यों? 4:30 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे, जहां पे एग्जाम एनालिसिस होता है, वो एग्जाम एनालिसिस आपको आपके आने वाले समय में, चाहे ग्रुप डी हो, सीबीटी 2 हो या फिर सीबीटी 1 जिनका बचा हुआ है, बहुत मदद करेगा। क्योंकि क्वेश्चन को देखने का जो नजरिया है, मैं कैसे देखता हूं किसी भी क्वेश्चन को, उसके जवाब को, तो ये आप में होना बहुत जरूरी है एग्जाम के पहले। क्या होगा? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है भाई? ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट। आगे देखो, टीसीपी का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी? ट्रांसमिशन सेंट्रिक प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोसेस। सवाल नंबर 29, सवाल नंबर 29 जल्दी। तो टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सवाल नंबर 30, एसक्यूएल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल? स्टेट क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लेसन या नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। सवाल नंबर 30 क्या होगा? क्या होगा? तो मेरे लाल, मेरे पीले, काले नहीं, मेरे लाल, मेरे पीले, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब 10:05 पे आपकी नेक्स्ट क्लास अनअकैडमी पे है, जहां 40 में 40 करके आप अपने स्कोर को और बूस्ट कर सकते हो, क्योंकि सीबीटी 2 में जीएस 50 क्वेश्चन आएंगे, पीछा नहीं छोड़ने वाला, याद रखना। तो ये था आज का सेशन, आई होप सो गाइस, कुछ नया सवाल देखा आपने, कुछ नया चीज सीखा। तो उम्मीद करेंगे जिनका आज पेपर है, सबसे पहले अगर पेपर होगा आज, बेस्ट ऑफ लक, नेगेटिव करके मत आना, तोड़ के आना बिल्कुल, है ना। अगर आप चाहते हो मेरे साथ प्लस पे जुड़ना, तो 15 फरवरी से बैच शुरू हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो भाई, और फी बहुत कम, 1 महीने के लिए कभी मत ज्वाइन करना बच्चे, क्योंकि पैसा मुफ्त में चला जाएगा। सीबीटी 2 सोचो ना, सीबीटी 1 क्यों सोचना? तो 3,000 रुपया में आप ज्वाइन कर सकते हो, क्यों? क्योंकि जैसे रेफरल कोड यूज करते हो, फिर आपके पास क्रेडिट पॉइंट है, क्या बचेगा घटके 3,000 में, और सारे सब्जेक्ट 2 साल तक तैयारी कर सकते हो, है ना भाई।
इसके अलावा थ्योरी जरूर पढ़िए, क्योंकि इस बार 2021 में कई सारे एग्जाम लाइनअप हैं, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, तो आप जुड़ सकते हो हमारे साथ एसएससी वाले कैटेगरी में। 2 साल की फी 7800, 1 साल का 6500, रेफरल कोड यूज करोगे 10% का। चलिए, अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं बच्चे फिर कल से सुबह 9 बजे इसका पार्ट 2 लेकर, तब तक के लिए हंसते रहिए।